हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात है राजिया, मैंने सिर्फ ख्वाहिश का नाम लिया और आप हाजिर हुई। दोस्तों, ख्वाहिश चीज ही ऐसी है और आपसे मिलने की जो ख्वाहिश है वो खास चीज है। आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हो रही है। आइए। तमन्ना, ख्वाहिश, आरज़ू, बहुत प्यारे प्यारे लफ्ज हैं ये। सही बात है। और इनके पीछे दास्तानें भी बहुत प्यारी प्यारी छिपी हुई हैं। आप बताइए कि जिंदगी में अगर हम आपसे ये पूछे कि आपकी सबसे बड़ी तमन्ना क्या है, तो आप क्या जवाब दें? मैं ये जवाब ही नहीं दे सकती कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, क्योंकि ख्वाहिश दिन ब दिन बदलता जाता है। जब मैं स्कूल में थी तो ख्वाहिश थी कि मैं अव्वल नंबर में, अव्वल दर्जे में पास हूँ। क्या बात, फर्स्ट इन माय स्कूल। ऐसा जब हुआ? मैं कॉलेज हुआ। सच्ची हुआ? क्या बात। और आई वर्क्ड वेरी हार्ड। जब कॉलेज में गई, आई विल स्टैंड फर्स्ट इन माय कॉलेज, व्हिच इज सिडनम कॉलेज। नहीं हुआ। क्या बात है। तो कभी होता है, कभी नहीं होता है। क्योंकि कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट था ही नहीं, लेकिन मैंने लिया। लेकिन खैर, वो अलग बात है। उसके बाद एक ख्वाहिश थी कि मैं बहुत अच्छा गाऊं। उसके पीछे मैं अभी भी लगी हुई हूँ कि और सीखूं और गाऊं। और वो ख्वाहिश, उम्मीद है कि ख्वाहिश ही रहे, क्योंकि अगर मैं समझ लूं कि बस मैंने सब कुछ कर लिया है और ये ख्वाहिश हो गई है, आई एम द बेस्ट, आई बी फिनिश्ड, कहानी भी खत्म हो जाती है। कहानी तो इसलिए कुछ कुछ ख्वाहिशें वही है कि बस लगे रहें इसके पीछे। फिर ख्वाहिश है कि बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। अब ये ख्वाहिश कहाँ तक पहुंची है? वो 11 साल से आप पूछ ही रहे हैं, तो फिर कुछ जवाब तो दीजिए ना। बस यही तमन्ना है, यही आरजू है, यही ख्वाहिश है कि तो ये पूरी क्यों नहीं हो रही है? नहीं, पूरी होगी ना इंशाल्लाह, क्यों नहीं पूरी होगी, अल्लाह ताला ने चाहा तो। बहुत ही खूबसूरत, हसीन, मेरे ख्याल से आप एक मुकम्मल जहां की तलाश में हैं। मुकम्मल जहां की ख्वाहिश है, किसी को नहीं मिलता। वो पूरी नहीं हो रही है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। सही बात, ये बहुत खूबसूरत शेर है। तो खैर, मैं वैसे मजाक कर रही थी, तो मुझको लगा कि आप सिर्फ सीरियस बातें करती हैं। मैं समझती हूँ कि जिंदगी में हंसी खुशी बीतनी चाहिए, और जो ख्वाहिश है उसके पीछे मन लगा के पूरे दिल और दिमाग से काम करना चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हद तक आप कर सकते हैं वो करें, बाकी खुदा पे भी कुछ छोड़ देना चाहिए। मतलब ख्वाहिश उतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, उतनी ऊंची नहीं होनी जिस तक हम पहुंच नहीं पाए। जी, बहुत अच्छी बात कही आप। अच्छा, आप एक गाना नुमा कोई चीज गुनगुना रही थी, कोई चीज नहीं, बहुत प्यारी चीज थी वो, गुनगुना रही थी, और आपने ये कहा कि ये जो गाना है उस गाने में मैं हूं, मतलब ये मेरी फितरत उस गाने के अंदर है। कौन सा गाना था वो? नहीं, वो तो वैसे भी मैं गुनगुना रही थी ना मेकअप में जब। वो बस बहुत प्यारी चीज है वो। बहुत लंबा सा है, मैं 2-3 लाइन गुनगुनाती हूँ। ये भी लकीर के सेट से था, ग्रेट सॉन्ग। हवा सी नशीली मैं चंचल छबीली, मैं धरती महकती मैं जलती चहकती, मैं तितली खिली सी सुमन में घुली सी, चमन का मैं गजरा हूँ रैना काका, मैं तारों के अंगना किसी की हूँ कंगना। इस तरह से कितनी जल्दी आप बहुत सुंदर है। It's a very pretty piece. अच्छा, ये इसका बोल इतना प्यारा है। आप ये बताइए कि जब गाना आपके लिए लिखा जा रहा है तो उस वक्त आप दखल अंदाजी कहाँ तक? नहीं, ये बोल सांचमुखी ने लिखे हैं, संगीत जैसे मैंने कहा शांतनु मोहित्रा ने दिया था। और जब ये गाना लिखा गया तो दखल अंदाजी इतना कुछ नहीं होता, लेकिन ये जरूर बात है कि शायर ने, सैम इज अ लवली लवली पर्सन, तो 2-3 बार हम मिले एंड वी वर सिटिंग एंड थिंकिंग अबाउट द सॉन्ग्स वी गोइंग टू सिंग, एंड मैं हूँ ज्यादा थोड़ी चंचल शोक मिजाज की, गाने भी इसी तरह से मुझे दिए गए जो शोक और चंचल मिजाज की हूँ। क्योंकि अगर मैं गमगीन गाना भी बहुत गाऊं, ऐसा लगता है कि मैं खुशी खुशी वो गा रही हूँ। एक है बात
एक बात बिल्कुल है, तो मस्ट बी विद द पर्सनालिटी। और ये मैं जरूरी समझती हूँ कि हर आर्टिस्ट के आर्ट में उनकी पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। यू कान कॉपी समबडी, यू कान बी अ क्लोन। तो दखल इतना इतनी हद तक रहता है कि जब हम सिलेक्शन करते हैं अपने उस्तादों के साथ वगैरह, तो वही शेर और शायरी की सिलेक्शन करते हैं जिसमें आई एम कन्विंस्ड बहुत, जैसे मैं बहुत गमगीन चीजें नहीं गाती। निदा फासले का एक बहुत खूबसूरत शेर है, एज एन आर्टिस्ट आई'ड लाइक टू से गाऊं या ऐसे। अब बात है मुझसे क्यों आप कहेंगे कि बस कहने की जरूरत है। ये आर्टिस्ट की जिंदगी के ऊपर बहुत खूबसूरत शेर है जिसका संगीत मधुरानी जी ने दिया, मैं उसको गुनगुनाऊंगी। तन्हा तन्हा, ये शादी के ऊपर आपने कहा वो गाना है। शादी के पीछे क्यों लगी? नहीं, मैं नहीं लगी ना, आप लगे हुए थे। अच्छा, ये अच्छा, ठीक है। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी शादी के पीछे, अपनी शादी के पीछे नहीं, तुम्हारी शादी। सॉरी सर, मैंने मूड सुर को बिल्कुल तोड़ दिया मैंने। वापस 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 उसी सुर में। तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। तन्हा तन्हा, वाह बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तन्हा तन्हाई, तन्हाई की तमन्ना कहां तक आपकी फितरत में मौजूद है? क्या बात है, कहां तक, कहां तक मौजूद है? तन्हाई की फितरत नहीं, मैं बिल्कुल तन्हा नहीं रहना चाहती। मुझे अड़ोस पड़ोस आस पास बहुत अच्छे लोगों की जरूरत होती है, चहकते हुए पॉजिटिव किस्म के लोग। रोनी सूरत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जो आई लाइक हैप्पी पीपल अराउंड मी, और खुदा सबको खुश रखे, और दुख में भी खुश रहने की कोशिश मैं करती हूँ। इट इज़ अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन, आपको अगर लगता हो कि मैं बस दुख नहीं है जिंदगी में, डिप्रेशन बहुत आते हैं, लेकिन व्हाट्स लाइफ विदाउट सॉरो। क्या बात, क्या बात विनाज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई दोबारा एक मौका मिला आपसे मिलने का, और उम्मीद करते हैं कि जल्द जल्द अब ज्यादा मिलें, इसी तरह मिलते रहेंगे, बहुत उर्दू में बात करते रहेंगे, इस अदबी कॉकटेल में। क्या बात है, ये टाइटल भी खूब है, अदबी कॉकटेल, यानी कि अदब के कितने रंग हैं, रंग है, कितने मजे हैं, सब इस प्रोग्राम में मौजूद। बहुत खुशी हुई, लेकिन आप एक नया रंग लेकर आई हैं, और मैं लिबास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी फितरत की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी आवाज की बात कर रहा हूँ। जाते जाते मीर तकी मीर का एक शेर, इरशाद इरशाद, कि अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे कर खुदा लाया। आए हाय हाय, क्या बात, क्या बात। अब वही बात हुई दोस्तों, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इस एक प्यारी सी बात, प्यारे से शेर के साथ हम इजाजत चाहेंगे, और एक बार फिर यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।